अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा होकर, और ये जो आपको नजर आ रहा है क्रीम लगी हुई है मेरे फेस के ऊपर, जो मैंने तिल रिमूव किए थे। अब इसकी कंडीशन मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कैसी है। बिल्कुल अब इतना सा रह गया जख्म ये, पर इसका ये है कि आप लोगों ने बहुत केयरफुली यूज़ करनी है रेमेडी जो है, बहुत केयरफुली, कहीं और नहीं लगाना, क्योंकि ये बर्न करता है ना स्किन को। लेक्से वगैरह रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं इसको, और अगर एक दफ़ा में नहीं जाता तो उसकी जड़ पे लगाते हैं, नोक से ना, टूथपिक की नोक से उसकी जड़ पे लगाते हैं, तो जड़ जल जल जाती है और वो झड़ जाता है मस्सा, और अगर दोबारा निकल आए तो फिर दोबारा लगाते हैं, और तीसरी दफ़ा में ना वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अभी फेयर एंड लवली लगाई हुई है इंडियन गाढ़ी गाढ़ी सी इनके ऊपर, ताकि निशान ना रहे। और जो लोग पूछ रहे थे कि आप वाइटनिंग क्रीम क्यों लगाएं, वाइटनिंग क्रीम इसलिए लगाएं ना कि वाइटनिंग क्रीम लगाने से निशान नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो इस तरीके से गाड़ी गाड़ी आप लगा लें जहाँ जहाँ से आपने रिमूव की। मैंने इस सारी जगहों से रिमूव की। गुड न्यूज़ ये है कि बलाल माशाल्लाह चलना शुरू हो गया है, और आ यार ओ सीढ़ियों पर चलने के लिए नहीं आपको वापस आओ बलाल, वापस आ जाओ। माशाल्लाह। ये मुझे पिया आया हुआ था RH एक्सेसरीज की तरफ से, अभी इसकी ओपनिंग कर लेती हूँ अंडे वाले झूले में बैठ के, ठीक है। वेदर बहुत प्यारा हुआ हुआ है, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। इतना क्यूट सा इन्होंने बना के भेजा है मुझे एनवलप टाइप का, और ये रिबन खोलो तो ये पूरा खुलता है, लेकिन मैंने ऊपर से कट करके इसको खोल लिया है, क्योंकि मैं इसको वेस्ट करना नहीं चाहती थी। मैं कह रही थी जैसे रिबन लगी हुई है वो लगी रहे, तो ये जो क्लिप्स है मैं वापस इसी में डाल दूँगी। तो क्यूट बना के भेजा है हाथों से, जो हैंडमेड चीज़ होती है मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा। साथ में उन्होंने नोट लिखा हुआ है, ओह क्यूट, कितना प्यारा बो लगाया हुआ है नोट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नताशा वकास, थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर पार्सल। इन दिस पार्सल वी आर सेंडिंग यू सम हेयर एक्सेसरीज, वी हैव अ वैरायटी ऑफ हेयर एक्सेसरीज एंड सून वी विल आल्सो इंट्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट्स। काइंडली आस्क योर फॉलोअर्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, रिगार्ड्स RH एक्सेसरीज। ये इनके इंस्टाग्राम पेज का नाम है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इनकी जो इन्होंने क्लिप्स बना के भेजी है, उन्होंने मुझे कहा था स्पेशली फॉर योर डॉटर्स। कोई बात नहीं भाई, डॉटर्स पहने या डॉटर्स की अम्मा पहने, एक ही बात है। आई होप कि आपको इरिटेट ना कर रहा हो, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज निशान रह भी सकता है। किसी किसी की स्किन ऐसी होती है कि निशान रह जाता है, और किसी किसी के स्किन पे नहीं रहता। तो सबसे पहले जो पिन है वो ये वाली है, ये रेड कलर का बो बना हुआ, और ये मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने बालों में बनाई हुई है इस टाइम पर फ्रेंच टेल। तो इसको मैं किधर लगाऊँ, ऐसे लगा के देख लेते हैं हम इसको। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। अरमिश कह रही है कि ये मेरी है। किसकी है अरमिश? ये वाली देखो कितनी, ये आपका है, आपका है, मेरा है। मैं लगाऊं, रुको सबर करो, मामा लगाएंगे ये। अरमिश वो वाली क्लिप उतरवा के ले गई है कि मामा ये मेरी है। अब ये वाली क्लिप्स देखें कितनी क्यूट हैं। हैंडमेड चीज़ें होती है ना, उनका सबसे अच्छी बात ये होती है कि वैसी और किसी के पास नहीं होती, वो सिर्फ आपके पास होती है। और ये इसके साथ है क्लिप्स, क्लिप्स लगाते हैं हम। कितनी प्यारी लग रही है ना, लवली लवली लवली। थैंक यू RH एक्सेसरीज फॉर सेंडिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर पिंस, और ये बहुत क्यूट है, मेरी डॉटर को बहुत पसंद आई है। आपने देखा है, मैं लगा के बाहर चली गई। लुक कितनी प्यारी लग रही है, ये लवली 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 लग रही है। अब अरमिश कह रही है अब ये वाली लगाओ, ये वाली उतार दो, ठीक है। ये कितनी प्यारी लग रही है। ये वाली भी लगा दी, ये वाली भी। उस तरफ से ट्विस्ट बनवाओ, यहाँ से ट्विस्ट बनवाओ, ऐसे करके। गुड गुड बेबी हो आप तो मेरी। दिखाओ प्रिटी।
ऊपर ये दोनों एक जगह लगवाओ ना, वहां पे ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो बहुत क्यूट लग रहा है, ये बहुत प्रीटी है। ये दरमियान में बो है इसके, यानी के पोनी वगैरह बांधती है बच्चियां, तो उसमें यूज हो जाएगा ये इस तरीके का। ये देखें कितना प्रीटी है। और फिर ये है इसके साथ क्लिप्स हैं, ये तो छोटी हैं और ये बड़ी है और ये बहुत प्रीटी है सारी की सारी। ये भी मैं लगाती हूँ और मिश ना के फिर मेरे से उतरवा लेनी है, अभी आएगी देखना, क्योंकि उसको ना ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा जब शादी वगैरह की वीडियोस में आप लोग कहते हैं ना इसको क्यों लगाते हैं ये वो, ये मुझे इतना तंग करती है, इसको ना लगाओ तो अभी और लेने आ गई। कितनी क्यूट लग रही है। अब ये वाली लगानी है, अब इसने ये वाली लगानी है। अच्छा पहले मैं ये वाला दिखा दूँ, ये कितनी प्यारी है, देखो मैंने लगाई है, कितनी प्यारी लग रही हूँ, देखो ये प्यारी लग रही हूँ, कितनी प्यारी लग रही है। मैं ना इसको अपने ना इसमें लगाती हूँ फ्रेंच टेल, अब इसमें दिखाती हूँ ना वन बाय वन दिखाती हूँ, सबर ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, लवली। मैंने भी कितनी प्रीटी लग रही है ना, लवली। वो इस तरीके की हैं, इसके ऊपर भी इस तरह से बो बना हुआ है, एक दो तीन चार पांच पिंस हैं ये, और इतने प्यारे इसके ऊपर शीशा नहीं लगा हुआ, स्टिकर्स लगे हुए, लेकिन बहुत क्यूट है ये भी। उससे ग्रिप भी पता चल जाएगी ना कि टूटती वूटती तो नहीं, ऐसा ना बालों में लगाओ तो निकल के हाथ में आ जाए। कितनी क्यूट लग रही है, प्यारी लग रही है। चांद से चेहरे पे कौन सी जुल्फ है, वैसे कैसी लग रही है, आपको कौन सी पसंद आई ज्यादा? ओहो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई है भाई। तस्वीर ये कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, थैंक यू। टिश्यू में बनी हुई है, हाय मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसे पूछो, चलो पूछो पूछो, हाय मैं कैसी लग रही हूँ, पूछो ना पूछो, आप प्यारी लग रही हो, मामा प्यारी लग रही है, मामा नहीं प्यारी लग रही, वाली हेयर पिंस है, ये टिश्यू में बनी हुई है, ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, कितनी प्यारी लग रही है, लवली लवली। आने भाई आपने तो वाओ लुकिंग लवली है ना, प्यारी लग रही है ना, आप लोग बताना कमेंट्स करके कैसी लग रही है। प्रिटी है ये भी, सेम उसी तरीके से नीचे इनके क्लिप पर लगा हुआ है, बहुत क्यूट बनाई हुई है इन्होंने, बहुत मेहनत लगती है इनमें, ये नहीं कि ये ऐसे बन जाती है, बहुत प्यारी लग रही है, सारा बटरफ्लाई बिठाई है मेरे बालों के ऊपर है ना, कितनी प्यारी लग रही है ना। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लगी, अपनी बेटियों को पहनाएंगी ना आप ये पिंस, तो मुझे टेक करना स्टोरी में, मैं शेयर करूंगी ठीक है अपनी स्टोरी पे। तो मेरे रेफरेंस से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो मुझे टेक कर दिया करो स्टोरी पे, तो आपको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा और मैं वो अपनी स्टोरी पे शेयर कर दूंगी, जो लोग मेरे से शॉर्ट आउट मांगते हैं, जैसे मेरे कोड है किशमिश के साथ है, चिल्तन के साथ है मेरा कोड, ब्यूटीफाई बाय आमना के साथ है, N530 विदा जैन के साथ है मेरा कोड, भी आप लोग मेरा भी कोई रेफरेंस है या मेरा कोई कोड यूज करके, डर्मा शाइन पे मेरा कोड है, डर्मा स्टेशन पे मेरा कोड है, रूपसी पे मेरा कोड है, और एडीएस पर है मेरा कोड, ग्लोगैनिक 202 पे मेरा कोड है, जब भी आप मेरे कोड से कोई चीज परचेज करते हो तो मुझे जरूर जरूर अपनी स्टोरी पे टैग किया करो, तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट दे दिया करूंगी। इवन यूट्यूब पे आप पोस्ट करते हो तो मुझे जरूर टैग करना, मेरा नेम का हैशटैग लगा लें तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट दे दिया। कास्ट पिंस है और ये थोड़ी सी बहुत प्रीटी है, मैं भी अपनी बेटियों को जब ये पहनाऊंगी ना पिंस वगैरह किसी हेयर स्टाइल के साथ, जब मैंने उनको लगाया तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये पीआर अनबॉक्सिंग थी और ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और जिन जिन के साथ मेरे कोड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जब भी आप लोगों ने यूज करना है, आपने अपनी स्टोरी पे शेयर करना है स्क्रीनशॉट उसका और मेरा नेम का टैग लगाना है वहां पे, या मुझे टैग कर देना है, या यूट्यूब पे हैशटैग नताशा वकास लिख देना है ताकि मुझ तक वो पहुंच सके और मैं आपको शॉर्ट आउट दे सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और डिस्प्रिंट वाली वीडियो भी लास्ट में देख लेना, जिसने यूज किए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसका, मुझे DIY ग्लो टोनर का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, टोनर वाली वीडियो का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, पर आप लोगों ने अभी तक देखी नहीं है आई थिंक, जो अभी भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि डैंड्रफ का मसला है, डैंड्रफ का मसला है, टोनर का यूज बता दें और हेयर रिमूविंग क्रीम बता दें। मैंने बताई हुई है कि कौन सी क्रीम से आपके बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, किस मेथड से क्या करें, डार्क सर्कल खत्म करने का भी मैंने बताया हुआ है, आप लोग वो वीडियोज देखें जाके, वहां पे कॉमेंट करें जाके ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने ये चीजें बताई हुई है, यूज किया करें चीजें और रिव्यूज लाजमी शेयर किया करें अपने इंस्टा स्टोरी पे, यूट्यूब पे, कमेंट्स पे, जो भी आपके पास अवेलेबल है सोर्स वहां पर मुझे टैग कर दिया करें ताकि मुझे इल्म हो जाए कि आप लोगों ने मेरी बताई हुई कोई चीज यूज की और आपको उसका फायदा मिला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।